रात को कौन आया होगा? मालूम नहीं, चलो चल के देखते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? पॉनिशमेंट देके क्लासरूम के बाहर खड़ा करते ना, वैसा लग रहा है। गलती तेरी है, क्यों बताया? बताया ना भाई, उन दोनों ने घेर लिया था मुझे, क्या करता मैं। रोशन भाभी आप कब आए? अभी अभी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच अय्यर भाई। आप कैसे हैं? आई एम गुड। अच्छा है। रोशन किधर है? रोशन सिंह सोडी। करेक्ट, मेरा वाला रोशन। रोशन भाभी वो यहाँ क्यों होगा? वो तो आपको सरप्राइज देने के लिए उदवाड़ा गया है। अच्छा, आपको कैसे पता कि वो उदवाड़ा गया है? वो क्या है ना, थोड़ी जब जा रहा था ना, तो मैं बालकनी में ही खड़ा था। अच्छा, तो मैंने पूछा उसको थोड़ी किधर जा रहा है, तो मेरे को बोला कि मैं रोजन को सरप्राइज देने के लिए उदवाड़ा जा रहा हूँ। मैंने ना उसको हैप्पी जर्नी भी बोला। कितने अच्छे हैं आप। थैंक यू। ये थे गाड़ी के आजू बाजू में। आराम। हाँ वही आत्माराम भिड़े, मेरे वाले। वो ना नहीं, राव दे। यही बताएंगे अभी ये थे या नहीं थे हैं। आहो क्या ना आत्या, बोलोगे ना? हाँ तुमने बुलाया ना मुझे, मना लगा ही मुझे, मैं बोला भी इसको तो ये मना कर रहा था, बुला रही थी ये। हाँ अय्यर, क्या भांडा फोड़ दिया है भिड़े ने? आत्माराम, एक मिनट, भांडा मतलब क्या चल रही है सर? अय्यर भाई आप बताएंगे या हम बताएं? मैं बताता हूँ क्या हुआ बबीता कि सोड़ी के बचपन के फ्रेंड उसके घर पर आए थे, थोड़ी ने उनके साथ में पार्टी शार्टी कर लिया, तभी रोशन भाभी थोड़ी को सरप्राइज देने के लिए आ गया, और फिर उसके बाद फिर मैं बताती हूँ बबीता जी, फिर मेरे आते ही सब ने रोशन को पोपट भाई के घर पे छुपा दिया और मुझसे झूठ बोला कि रोशन उड़वाना चला गया है, और फिर जब मैं पोपट भाई के घर पे रोशन को ढूंढने गई तो रोशन वहाँ पे भी नहीं था, वहाँ से भी भाग गया था वो, पता नहीं कहाँ गया है। अय्यर सोरी भाई को तुमने छुपाया है? ना, इले, मैंने नहीं छुपाया। अय्यर बबीता तिरुपति बालाजी का तोगन, मैंने थोड़ी को नहीं छुपाया। सोरी भाई गए कहाँ? अगर इधर भी नहीं है तो पक्का मेहता सबके घर पे गया होगा। मैं अभी जाके देखती हूँ उसे। इन्हीं हमने पौड़े कथा बोली थी। ये गया इधर सोरी। मेरे को क्या मारा? आलो। आज तो रोशन ने छोड़ी नहीं। लगता है मैं तथा फंस जाएंगे। लगता है क्या अय्यर, फंस ही जाएंगे ना। भगवान करे मेहता साहब के घर पे सोड़ी ना हो।
मुबारक, उठिए, कोई बेल बजा रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे बाप रे, तो ये लोग पकड़े तो नहीं गए? मैं देख। नहीं नहीं, मैं देख। अरे रोशन भाभी, आप? हाँ मैं। मेरा रोशन किधर है? सोढ़ी तोड़वाड़ा? नहीं गया? नहीं गया? नहीं गया है। कौन है सारा? रोशन भाभी आप? What a surprise! Happy anniversary! Thank you so much. अच्छा अंजलि भाभी, रोशन आपके घर के अंदर छुपा हुआ है? छुपा हुआ है? हाँ। सोनी भाई, मतलब? रोशन ने मेरे आने से पहले पार्टी शार्टी की और अब मुझसे डर के छुप रहा है। और सबसे पहले इन लोगों ने सोनी भाई को पोपट भौजी के घर में छुपाया, लेकिन सोनी भाई वहाँ है ही नहीं। फिर हम लोग ग्वालियर भाई के घर गए तो वहाँ पे भी सोनी भाई नहीं है। और हमें भी ये लगता है कि सोनी भाई आपके यहाँ पे छुपे हैं। हाँ मैं तो सो रही थी। तारक, कोई आपने तो सोनी भाई को अंदर नहीं छुपाया? रोशन, रोशन, नहीं छुपाया। रोशन, पता चल जाएगा। रोशन, पाँच है तू, पाँच है। रोशन, रोशन, आज जो तुमने छोड़ी स्नाइट, रोशन, डर बैठ गई माँ से। रोशन, कहाँ गया? रोशन भाभी, यहाँ नहीं है। रोशन, अब कहाँ छे? अरे, रोशन डर नहीं है तू? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं होंगे। अरे रोशन, मैं क्या सांप बताई आपने रोशन को कहाँ छुपाया है? रोशन भाभी, मुझे सच में नहीं पता कि सोढ़ी कहाँ है। मैं मानता हूँ कि सोढ़ी से गलती हुई है, लेकिन बुरी गलती उसकी नहीं है। दरअसल क्या हुआ ना कि उसके बचपन के दोस्त आ गए थे तो। नहीं सुननी मुझे आपकी स्टोरी। रोशन ने गलती की है मतलब की है, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। एक बार रोशन बड़ा हाथमाटो आवे। कमाल है, सोढ़ी भाई यहाँ पे भी नहीं, तो गए कहाँ? हाथी भाई के घर पे देखती हूँ। चलिए। रोशन, रोशन, मैं देखती हूँ, मिल ही नहीं रहा। हंस, हंस उठो, डोरबेल बज रही है। इस वक्त कौन होगा? लगता है कोई पेशेंट है। चलो चलकर देखते हैं। चलो चलो। रोशन भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी। रोशन भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू हाथी भाई। हाथी भाई, रोशन किधर है? वो उड़वाड़ा गया है, ऐसा मत बोलना। क्या हुआ, आप सब सोनी भाई को ढूंढ क्यों रहे हैं? क्योंकि सोनी भाई ने पार्टी शार्टी की है और अभी रोशन भाभी से इधर उधर छुप रहे हैं। हाँ, और जब रोशन भाभी ने इन सब से पूछा तो उन्होंने कहा कि सोनी भाई उड़वाड़ा गए हैं और ये सब लोग हमें गोल गोल घुमा रहे। हाँ, और हमें ऐसा लग रहा है कोमल भाभी कि रोशन आपके घर के अंदर छुपा हुआ है। अरे नहीं नहीं रोशन भाभी, सोनी भाई हमारे घर पर नहीं है। सच में रोशन भाभी, सोनी को मैंने नहीं छुपा है। कोमल, सच में रोशन भाभी, आपने जेठा भाई के घर देखा? नहीं,
हाँ तो वहाँ देखते हैं। हो सकता है जब चाचा जी सो रहे हो तो जेठा भाई ने सोड़ी भाई को अपने घर पे छुपा लिया हो। हाँ चलो चलो वहाँ जाके देखते हैं। रोशन भाभी प्लीज, जेठा लाल के घर नहीं। क्यों? रोशन को आप लोगों ने वहाँ छुपाया इसलिए? अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है। तो? जेठा लाल के घर पर चाचा जी है, उसको पता चलेगा ये सब तो वो हमारी दुनिया हिला देंगे। अच्छा है, सब कुछ बता दूंगी मैं चाचा जी को। रोशन को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। और जब चाचा जी से आप सब लोगों को डांट पड़ेगी ना तो कौन देखबे की होए। चलो अभी चाचा जी को पक्का पता चल जाएगा हम सबकी नक्की बैंड बजने वाली है। सही बात है। आत्माराम हमारा बैंड क्यों बजेगा? सोड़ी उदवाड़ा गया है ये आइडिया तो जयटलाल का था, तो फिर हम लोग क्यों डरे? हम तो चाचा जी को बोल देंगे कि जयटलाल ने हमसे झूठ बुलवाया था। आहो चलो चलो वो कौन घंटी बजा रहा है? कौन आया होगा? अबू, ए अबू, अबू, ए अबू, अबू उठ, उठ, देख दरवाजे पे कोई आया है। कब से घंटी बजा रहा है? उठ। हाँ तो उसको बोलो कि वापस सोने चले जाए। सोने दो ना दादाजी। नहीं नहीं अकेले नहीं जाता हूँ, जेठिया को जगा। जेठिया अभी कोई दरवाजे पे घंटी बजा रहा है। जेठिया ये बाप बेटे दोनों ना अरे हम इतनी रात को कौन आया होगा? तुम सब लोग? रोशन बेटा तुम कब आई उदवाड़ा से? अभी अभी आई चाचा जी, आज मेरी एनिवर्सरी है। अच्छा सर, इतनी रात को तुम ये बताने आई हो क्या तुम्हारी एनिवर्सरी है? नहीं चाचा जी। अच्छा आशीर्वाद लेने आई हो? बेटा आशीर्वाद लेने सुबह आ जाती, इतनी भी क्या जल्दी थी? चलो कोई बात नहीं, अब आ गई हो तो आशीर्वाद दे देता हूँ। सदा सुहागन रहो, हाँ और हमेशा खुश रहो तुम दोनों। थोड़ी गए हम उसी को तो ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं मतलब? थोड़ी कहीं खो गया? वो नहीं गया चाचा जी, वो कहीं छुप गया है। भिंडी मास्टर इतनी रात को तुम लोग छुपा छुपी खेल रहे हो? नहीं नहीं हम नहीं खेल रहे छुपा छुपी, थोड़ी हमारे साथ छुपा छुपी खेल रहा है। मतलब? मतलब ये चाचा जी कि रोशन पार्टी शादी करके कहीं छुप गया है। हाँ चाचा जी, और वो भी हमारी एनिवर्सरी के दिन। मैं ऊपर से बोल दूँ मैं उसको यहाँ पे सरप्राइज देने आई, सोचा था हम दोनों मिलके केक काटेंगे। लेकिन मैं जब घर पे आई ना तो मुझे पता चला कि उसने पार्टी शादी की है और अब वो मुझे डर के छुप रहा है।
और इन पुरुष मंडली ने सोनी बाई को छुपा के रखा था। गरज होती का सांगाई जी। रोशन ना सोसाइटी में किसी के घर के अंदर ही छुपा हुआ है और ये सब मुझे बोल रहे थे कि रोशन उड़वाना गया है। बोलो तुम सब में छुपाया उदी को? तुम लोगों ने छुपाया? क्यों छुपाया? जवाब दो। चाचा जी वो क्या करते उस वक्त हमें कुछ सूझा ही नहीं। अर सौड़ी के पार्टी जाड़ी करने के बाद अचानक रोशन भाभी सरप्राइज देने के लिए आ गए तो सब बुरी तरह से डर गए थे चाचा जी। और अगर रोशन भाभी सौड़ी को पकड़ लेती पता नहीं क्या करती। हाँ पर इसलिए सौड़ी को बचाने के लिए हम सौड़ी की बालकनी से आत्माराम की बालकनी में भाग गए। और रोशन भाभी सोनी को ढूंढते हुए भिड़े के घर भी आ गई तो इसलिए हम भिड़े की बालकनी से वापस से सोनी के बालकनी में चले गए और सोनी के घर से नीचे चले गए। आगे आगे सब लोग आगे चलो अभी फटाफट बिना आवाज किए हम लोग नीचे उतर जाते और वहां से अपने अपने घर पे चले जाते। रोशन भाभी सोनी को ढूंढ ढूंढ के बेकार परेशान होती कि परेशानी दूर करने के लिए भिड़े ने झूठ बोला। अरे भिड़े ने झूठ बोला मतलब सबकी सहमति से झूठ बोला। सबकी सहमति से झूठ बोला और जोड़ी को पपड़ लाल ने अपने घर पे छुपा लिया सबकी सहमति से। रोशन भाभी हमारे झूठ को सच मांग के खुश हो गई थी। ही बात है हमारा प्लान था कि सोड़ी पोपटलाल के घर पर सुबह तक रहेगा फिर फ्रेश होकर अपने घर आ जाएगा और एनिवर्सरी मनाएगा लेकिन उससे पहले ही भिड़े मास्टर ने सब कुछ सच सच बता दिया। रोशन भाभी सोड़ी ने पार्टी शार्टी की है और वो उदवाड़ा भी नहीं गया। रोशन नहीं हमारे घर पे नहीं है वो पोपट लाल के घर पे छुपा है। क्या मतलब पोपट भाई भी इन सब में शामिल है? पोपट लाल अय्यर मेहता साहब आतिफ भाई जेठालाल हम सारी पुरुष मंडली शामिल है। और उसके बाद चाचा जी हम पोपट भाई के घर पे गए लेकिन रोशन वहाँ पे भी नहीं मिला। तूने छुपाया था ना सोनी को अपने घर पे तो फिर तुझे पता ही होगा कि सोनी कहाँ है। बता कहाँ है सोनी? चाचा जी इन लोगों के मेरे घर पर आने से पहले सोनी मेरे घर पर ही था। लेकिन इनके आने के बाद सोनी मेरे घर से कहाँ चला गया मुझे ही नहीं पता। दोस्तों अब चाचा जी शेर की तरह दहाड़ मारने वाले हैं और दहाड़ इतनी जबरदस्त होगी कि पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हिल जाएगी। अब रोशन भाभी का गुस्सा एक तरफ और चाचा जी का गुस्सा एक तरफ यानी सोडी के साथ साथ जेठालाल की भी डबल बैंड बजने वाली है। भाई आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं लेकिन इतना जरूर पता है कि चाचा जी के गुस्से की आंधी जेठालाल के साथ साथ सोडी की भी दुनिया हिलाने वाली है। भाई गोकुलधाम में कितने भी आंधी और तूफान आ जाए लेकिन आपके घर पर हंसी और ठाकों की बारिश ही होगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।